बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल यही गर्दिश करने वाली वीडियोस जिनमें आपने देखा होगा खाना काबा का तवाफ़ रोक दिया गया है, खाना काबा के सहन में तवाफ़ बिल्कुल नहीं हो रहा। जी तो बिल्कुल, खाना काबा के सहन में तवाफ़ रोक दिया गया था। सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर तवाफ़ जारी था, तवाफ़ रुका नहीं था। तो ये वीडियो आप देख लें, ये वीडियो आज की है। इसके मुतलक मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। ये वीडियो आज की ली गई है, खाना काबा के सहन में भी तवाफ़ जारी है जी इस वक्त। लेकिन एक आप देख रखे हैं कि खाना काबा के इर्द गिर्द एक दीवार टाइप यानी कि प्लास्टिक के बैरियर लगाकर एक दीवार की गई है। यानी कि आप यही समझ लें कि आप आधा सहन बंद है अभी, आधा सहन खुला हुआ है और आधे सहन में ही तवाफ़ जारी है। तो मेरे भाई, इसके मुतलक मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। बात यह है कि खाना काबा के गलाफ से आप नहीं जाकर लग सकते, खाना काबा के दरवाज़े से आप नहीं लग सकते, आप हजरे असवद को बोसा नहीं दे सकते, मुकाम इब्राहिम के साथ आप नहीं लग सकते, खाना काबा का तवाफ कर सकते हैं। बस ये है सहन में। इसकी वजह ये है मेरे भाई, उन लोगों ने ये इसलिए बैरियर लगाकर अभी वो जगह इसलिए बंद की हुई है कि जब कोई शख्स खाना काबा के गलाफ के साथ जाकर लगता है, जब कोई खाना काबा के दरवाज़े के साथ जाकर लगता है, तो उधर ही दूसरा आदमी आकर लगता है, तीसरा, चार और हज़ारों आदमी ऐसे एक ही जगह पर लगते हैं और बोसो किनार भी करते हैं खाना काबा की। तो सबसे मेन चीज़ जो है हजरे असवद, हजरे असवद की जगह पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है, उधर हर आदमी की कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द हजरे असवद का बोसा ले लूं। और आप हजरात जो उम्रा अदा किया हुआ है, जिन्होंने अभी अदा करना, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द अदा कराए, तो वो हजरात अच्छे से जानते हैं कि जब हजरे असवद का बोसा लेना होना तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है उधर। तो भाई, मेरे बात करने का मकसद ये था कि जब आप हजरे असवद का बोसा लेंगे, ऊपर से दूसरा तीसरा, ऐसे हज़ारों आदमी बोसा लेते हैं, तो इन लोगों ने ये सील, ये इसको सील ही बोल रहे हैं आप, ये एरिया इसलिए बंद किया हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से कोई वबा न फैले। एक आदमी जब बोसा लेगा, ऊपर से दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, खाना काबे के साथ हज़ारों आदमी लगेंगे, तो कोई किसी किस्म की वबा ना फैले एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में। वो एरिया इन लोगों ने इसलिए अभी सील किया हुआ है। तो इस वीडियो की तरफ आ जाते हैं। इस वीडियो में आप देख लें कि एक सऊदी जो गालबन उसने हाथ में पकड़ी हुई है, वो आप देख रहे हैं। कुछ मेरे भाई सोचेंगे कि ये कुछ स्प्रे वगैरह तो नहीं है। भाई, ये जो मेरे भाई जानते हैं उनको बिल्कुल पता है, ये एक परफ्यूम, इसको आप बोल रहे हैं, ये लकड़ी ऊद, ऊद की लकड़ी है जी, उसे जलाया गया और उसकी वो धुआं जो है ना, वो सहन में बखेर रहा है। इससे क्या होता है, इससे खुशबुएं आती हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो सहन में इतने ज़्यादा आदमी नहीं है, कम आदमी है जो तवाफ़ कर रहे हैं, तो बाकी तो दूसरे और तीसरे फ्लोर में होंगे लाजमी। तो आप देख सकते हैं कि हरम शरीफ यानी कि काबा शरीफ में तवाफ़ जारी है जी। वो बंद किया गया था बिल्कुल एक दफ़ा, लेकिन अभी जारी है। तो दूसरी तरफ मदीना शरीफ की भी बात, मदीना शरीफ की ज़्यारत बंद है जी, जिधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमाइन, उनकी कब्रें मुबारक हैं, उनकी ज़्यारत बंद है, जन्नतुल बकी बंद है, बाकी मदीना शरीफ भी सब खुला हुआ है।